और दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस समय मीत हुड्डा इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। और मीत हुड्डा ने मनमीत पहलवान से बोल दिया है कि मनमीत पहलवान, ज़्यादा आप किसी पर भरोसा मत करो और सरकार पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ को कभी भी मारने की हिम्मत कर सकता है, खाने में जहर मिला सकता है, पानी में जहर मिला सकता है, कुछ भी किसी भी तरीका का शौक दे सकता है, क्योंकि दोस्तों सरकार है ये और सरकार कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद में मनमीत पहलवान बोलता हुआ नजर आएगा मीत हुड्डा से कि तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा हम कभी ऐसा करते ही नहीं है। जिसके बाद मीत हुड्डा बोल देगी कि तुम लोगों ने मुझे इस घर से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, याद करो वो दिन की जब तुम दोनों बाप बेटा मेरे साथ में टॉर्चर कर रहे थे। अगर आज तुम्हारा बाप तुम दोनों माँ बेटा के साथ में टॉर्चर कर रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि तुम लोग हो ही इसी लायक। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में एक बार फिर से एक ऐसा नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार मनमीत पहलवान इस समय बहुत ज़्यादा शौक होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मनमीत पहलवान का मानना ये है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस जलेबी की वजह से हो रहा है, क्योंकि मनमीत पहलवान के जो फादर हैं वो दूसरी शादी जो करने जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अफसोस जताते हुए नज़र आ रहे हैं आखिरकार इस समय मनमीत पहलवान। साथ ही दोस्तों मीत हुड्डा की बात की जाए तो मीत हुड्डा पूरे तरीका से यकीन से हैं, उसे पता है मीत हुड्डा को कि ये शादी मैं होने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मीत हुड्डा किसी भी लेडीज़ के साथ में कुछ बुरा नहीं होने देगी। मीत हुड्डा ने खुद इस चीज़ को अपने दिमाग में रख रखा है और मीत हुड्डा सही बात ये भी जानती हैं कि कभी भी लेडीज़ों के साथ में कुछ बुरा होता है तो मीत हुड्डा हमेशा लेडीज़ों के पक्ष में खड़ी हुई नज़र आती हैं, चाहे वो मीत हुड्डा की दुश्मन ही क्यों ना खड़ी हो। और वाकई में दोस्तों मीत हुड्डा की बात भी राइट है।